ओपिनियन पोल देखकर गुस्सा हुई मायावती। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल को मायावती ने बताया फर्जी और भ्रामक। कहा, भाजपा की जीत दिखाने वाला पोल दिखाना एक षड्यंत्र है, बसपा को नीचा दिखाने की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। मायावती के सवाल उठाने से यूपी में चर्चाएं तेज। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एबीपी के प्रीपोल सर्वे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मायावती ने कहा कि कल एक न्यूज चैनल ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रीपोल सर्वे दिखाया। इसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% से अधिक दिखाया गया है। यह सर्वे हवा हवाई है, शरारत से भरा है और भ्रमित करने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्वे का खास मकसद भाजपा को मजबूत दिखाना और बसपा के लोगों का मनोबल गिराना लगता है। इनको मालूम होना चाहिए कि बसपा के लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे इस सर्वे की बहकावे में नहीं आने वाले। मायावती ने आगे कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भ्रामक खबरें आना शुरू हो जाती हैं। आम लोग बसपा के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं, ऐसे दूसरी पार्टियों में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, वे षड्यंत्र का सामना करने को तैयार हैं, लोग सर्वे के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सर्व समाज को जोड़ने के लिए दूसरी पार्टियां नकल कर रही हैं, 2012 की तरह भी सभी पार्टियां अगर अंदर अंदर एक हो जाएं तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। जनता यह भी अच्छी तरह जानती है कि सभी लोग बसपा के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, ऐसे में हमारी पार्टी के लोगों को एकजुट रहना होगा। आपको बता दें कि इन दोनों मायावती चुनावी तैयारी में जुटी है। बसपा प्रदेश के 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। प्रदेश में आबादी के लिहाजे से लगभग 13% ब्राह्मण है, कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण है। ऐसे में हर पार्टी की नजर इन वोट बैंक पर टिकी हुई है। 2007 में मायावती की अगुवाई में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा था तो उनकी सरकार बन गई। तब बसपा ने 86 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिए थे। एबीपी चैनल के ओपिनियन पोल पर सवाल खड़ा करके मायावती ने यूपी में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। नेताओं से लेकर आम लोग भी सर्वे की आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना और प्रदेश की समस्याओं की वजह से सत्ता विरोधी लहर साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन एबीपी के सर्वे में भाजपा को 2017 से अधिक वोट पाते हुए दिखाया गया है, जिस वजह से सवाल उठना लाजमी भी है।